जैविक कह रहे हो, लेकिन आप रासायनिक गुड़ तो नहीं खा रहे हो। कैसे पहचानोगे नकली वाला गुड़? चलो देखते हैं आज के नए टॉपिक में गुड़ ऑर्गेनिक है और उसे कैसे पहचानोगे, और उसी के साथ गुड़ खाने के फायदे और गुड़ मार्केट में लेने जाओगे तो कौन सी सावधानियां जरूरी बरतनी चाहिए। तो अगर ये टॉपिक आपके मतलब का है और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चीनी खाने से अपने स्वास्थ्य पे विपरीत परिणाम होते रहते हैं, यह आप बार बार सुनते आए रहेंगे। इसलिए बहुत से लोग अभी ज़्यादातर गुड्स इस्तेमाल किए हुए पदार्थों का सेवन करते हैं और बहुत से लोग चीनी के बजाय गुड़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अभी बाज़ार में गुड़ की मांग ज़्यादा बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी। इसी कारण आपके मार्केट में बहुत सारे कई तरह के गुड़ उपलब्ध मिलेंगे। इनमें से पाउडर गुड़ भी है और छोटा बड़ा गुड़ भी है। इसमें भी हम हमेशा कुछ विज्ञापन यह कहते हुए सुनते हैं कि कुछ गुड़ ऑर्गेनिक गुड़ होता है और कुछ केमिकल फ्री वाला होता है, पर यह सच है कि हम इन विज्ञापनों को भूलकर हम गुड़ खरीद के लेके आते हैं, फिर भी ऑर्गेनिक गुड़ की पहचान करना उतनी ही ज़रूरी है। बहुत बार ऑर्गेनिक गुड़ और केमिकल फ्री वाला गुड़ मिलते ही ग्राहक खुश होकर चाहिए उतना दाम दे के वह गुड़ खरीद कर लेके आते हैं, लेकिन इस उपभोक्ताओं का गुमराह करने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। उपभोक्ताओं से या तो पैसे वसूलने या उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की प्रथा बढ़ती जा रही है। इसलिए उपभोक्ताओं को गुड़ खरीदते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। यह जांचने के लिए कुछ टिप्स आगे दिए हैं कि आपका गुड़ वास्तव में जैविक है या रासायनिक है। यह जानकारी निश्चित रूप से हर महिला के लिए उपयोगी है। गुड़ खरीदते समय यह सावधानी बरतें। गुड़ खरीदते समय उसका रंग डार्क चॉकलेट होना चाहिए। पीला दिखने वाला गुड़ मिलावट होता है, क्योंकि गन्ने के रस को उबालने पर उसका रंग डार्क चॉकलेट हो जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन मिलाए जाते हैं और गुड़ को पीला और अधिक खुला दिखाने का प्रयास किया जाता है। पीला दिखने वाला गुड़ में सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट गुड़ को चमक देता है। ऐसे गुड़ को देखकर कई उपभोक्ता भूल जाते हैं और चमकदार गुड़ खरीदना पसंद करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गुड़ का वजन बढ़ाने में मदद करता है। गुड़ का सेवन करने से पहले उसे चख ले और थोड़ा नमकीन स्वाद वाला गुड़ न ले। ऐसे गुड़ का सेवन न करें जिसमें चीनी की कण हो। गुड़ का स्टोन लेकर उसका पाउडर बना ले। इस चूर्ण को पानी में डाल दे। उस पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा पाउडर पानी में घुल जाता है और बाकी बर्तन के तल पर रह जाता है, तो ऐसे गुड़ का सेवन करने से बचें। गुड़ खाने के फायदे। गुड़ बहुत सेहतमंद होता है, इसलिए मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति भी गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयाँ खा सकता है। गुड़ खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि गुड़ हमेशा खाने के बाद चबाना चाहिए। गुड़ में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लगातार कम हीमोग्लोबिन वाले लोग या एनीमिया के पीड़ित लोग, आयरन की कमी वाले लोगों को नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ में कैल्शियम की काफ़ी मात्रा रहती है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना कम से कम थोड़ा गुड़ जरूर खाइए। गुड़ के नियमित सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। गुड़ खाने से रक्त संचार बेहतर होता है, इसलिए हृदय रोग के रोगियों को नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए। आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ऐसे नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका और आपके परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।